जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पीओके में शांति के लिए पाक के छूटे पसीने, नेहरू की गलतियां, मोदी पर मढ़ रही कांग्रेस, जयशंकर। जून में बिहार की बागडोर संभाल सकती है भाजपा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीओके में शांति के लिए पाक के छूटे पसीने, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गेहूं के आटे, बिजली की ऊंची कीमतों और अधिक कर के खिलाफ शुरू की गई पूर्ण हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही, जिसके चलते देश की सरकार को क्षेत्र में बढ़ती अशांति को खत्म करने के लिए तत्काल 23 अरब रुपए आवंटित करने पड़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वह स्थिति को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों और क्षेत्रीय सरकार के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद क्षेत्र के लिए अनुदान को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय कहा कि शरीफ ने सोमवार को विशेष बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य क्षेत्र में जल विद्युत उत्पादन लागत के अनुसार बिजली की कीमतों को तय करने, गेहूं के आटे पर सब्सिडी और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। नेहरू की गलतियां, मोदी पर मढ़ रही कांग्रेस, जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस चीन पर टिप्पणी करते समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई गलतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराती है और ऐसे दिखाती है कि उसका कोई दोष नहीं है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी अतिक्रमण को लेकर जयशंकर ने कहा कि चीन ने 1958 और 1962 में भारतीय जमीन पर कब्जा किया था और कुछ पर तो 1958 से पहले कब्जा किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जयशंकर ने कहा कि अपने ही बलों का मनोबल गिराना बहुत ही दुखद बात है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, जब आप कहते रहते कि चीन ने जमीन ले ली तो वह जमीन तो 1962 में ही चली गई थी। मैं देख रहा हूं कि देश को किस तरह गुमराह करने की कोशिशें की जा रही है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। जून में बिहार की बागडोर संभाल सकती है भाजपा। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। इसके बाद बिहार का राजनीतिक परिवेश बदलने की संभावना जताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि जून में बिहार की बागडोर भाजपा को सौंपी जा सकती है, यानी नीतीश कुमार की जगह भाजपा कोर्ट से कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके पीछे एक वजह नीतीश कुमार की सेहत भी है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से यह बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ने के कारण अब वे प्रदेश की कमान संभालने की स्थिति में नहीं है। नाम नहीं छापने की शर्त पर बिहार सरकार ने एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उम्र के हिसाब से कई तरह की समस्याएं होने लगी हैं। बोलने की बीमारी के अलावा पेट संबंधी समस्याएं भी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को ज्यादा दिन चलाना संभव नहीं दिख रहा है। हालांकि पार्टी या फिर किसी वरिष्ठ नेता की ओर से मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।